हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो बन रही है शाम की चाय, और ये बन रही है चाय और मुझे बनाने हैं कटलेट। तो थोड़े से नाश्ते में, तो वो भी मेरा तवा चढ़ा हुआ है तो बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ शाम का। हाँ, चाय और थोड़े चावल बच गए थे तो बस उसी के थोड़े से कटलेट और आलू पड़े हुए थे। सुबह आलू फ्राई किए थे तो वही पड़े हुए थे, तो चावल भी बचे हुए थे तो सोचा चलो उसी से थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आजकल ठंड का मौसम है तो गर्म गर्म ही नाश्ता अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता है। और कुछ जुकाम वगैरह भी लगा हुआ है तो इसलिए भी खाना उतना अच्छा नहीं लगता है खाना वगैरह। तो बस वही बनाने जा रही हूँ, पहले तो बना लेती हूँ और उसके बाद मेरे कपड़े भी पड़े हैं जो मुझे अभी तय लगाने हैं। तो पहले तो चलो चाय और ये हो जाए, उसके बाद देखती हूँ कपड़े वगैरह। तो पहले बनाती हूँ चाय और कटलेट। ये थोड़े से चावल थे तो मैंने उसी में आलू सुबह मैंने थोड़े से फ्राई किए थे तो बस वही उसमें मिक्स करके और उसी के कटलेट बना रही हूँ। और हमारे इधर तो ठंडी स्टार्ट हो गई है, होने लगी है सुबह शाम की ठंडी, काफ़ी होने लग गई है। दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, अब तो ठंड हो गई है पूरी। और बस शाम की बन रही है चाय, अदरक वाली चाय, क्योंकि अभी ना बस अदरक वाली चाय का ही सहारा है। इतना जो जुखाम वगैरह है, खांसी वगैरह हो रहा है तो बस अदरक वाली चाय ही है इस टाइम, जो मतलब इसमें जुखाम वगैरह में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। उससे क्या है, पीने से थोड़ा गला वगैरह है जो थोड़ा सही रहता है। थोड़े से ही हैं कटलेट, ज़्यादा नहीं है, बच्चों का बस हो जाएगा शाम का नाश्ता हल्का फुल्का सा, एक एक दो दो हो जाएंगे। अभी मौसम ठंडा हो गया है ना, तो क्या है कि दोपहर का बना हुआ खाना इस टाइम स्कूल से लौट के आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे भी खाने में कुछ नखरे ज़्यादा ही दिखाते हैं, क्योंकि क्या है मौसम भी चेंज हो रहा है, दूसरा खांसी जुकाम भी लगे हुए हैं, तो इस करके खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। चाय क्या है, उसमें मैंने दूध में ही चीनी और चाय की पत्ती अदरक वगैरह डाल के और उसको उबाल लिया है अच्छे से। दो लोगों की चाय है बस, थोड़ी थोड़ी सी शाम की चाय। तो आप ही हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए और कर लीजिए कटलेट का नाश्ता। और ये कपड़े हैं, आज के कपड़े हैं, सूख गए थे तो बस उन्हीं की तह लगा रही हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि मैं डेली ही थोड़े थोड़े कपड़े धुल लेती हूँ। मौसम का पता नहीं चलेगा कब कैसा हो जाए, अब पूरा मौसम हो रहा है ठंड का, तो पता नहीं किस दिन बादल वगैरह हो जाएं और धूप ना निकले। तो बस इसी वजह से मैं डेली थोड़े थोड़े जो भी कपड़े होते हैं धुल लेती हूँ।
कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं शाम के खाने की मुझे तैयारी करनी है, तो देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है तो मटर वगैरह काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चों का मन है आज मसाले वाली खिचड़ी खाने का, और काफ़ी टाइम से बनी भी नहीं है, तो बस उसी की मुझे तैयारी करनी है। ये बेड पे ही मेरे ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि दिन में बैठते उठते बैठते हैं तो ब्लैंकेट भी ओढ़ते ही रहते हैं। तो ये मैं शाम के खाने की कर रही हूँ तैयारी। पता है क्या कि गोभी की सब्ज़ी खाने का किसी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, कोई भी पसंद नहीं कर रहा कि गोभी की सब्ज़ी खाएं, तो बस कई दिन से गोभी रखी हुई थी, तो मैं मसाले वाली खिचड़ी बनाऊंगी ना, तो उसी में थोड़ी सी डाल लूँगी, और क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहे हैं कि वो गोभी की सब्ज़ी खाएं, और मुझे भी अभी मतलब काफ़ी खा ली है तो अब मेरा भी मन नहीं है, तो पर ये आ गई थी तो एक तो मैंने अपनी पड़ोसन को उठा के इस गोभी का फूल दे दिया था, और एक ही आधा पड़ा हुआ था, तो बस अब ये थोड़ी सी मैं डाल लूँगी खिचड़ी में, ऐसे ही ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों का मन नहीं है गोभी की सब्ज़ी खाने का।